फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में उड़द की दाल के मरे बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे हिटर फूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम उड़द की दाल ली है। मैंने इसको 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए, ये दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसूंगी। देखिए, बड़े बनाने के लिए मैंने दाल पीस ली है। अब मैं इसके बड़े बनाऊंगी। देखिए, बड़ा भिगोने के लिए मैंने ये दही अच्छी तरह से मथ लिया है। मैंने दही फ्राई करने के लिए चूल्हे में ये चमचा रखा है। जब ये गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें तेल डालूंगी। देखिए, तेल हमारा रिफाइन हमारा गर्म हो रहा है। मैं इसमें जीरा डालूंगी। देखिए, जीरा हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें मिर्च डालूंगी कुटी हुई। मिर्च भुन चुकी है। अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। अब मैं दही फ्राई करूंगी। देखिए, मैंने दही फ्राई कर दिया है। अब मैं बड़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है। जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं बड़े बनाती हूँ। हमें दाल को हल्के आंच से फेंटना है। देखिए, इसको इस तरह से फेंटना है। बड़े बनाने के लिए मैंने दाल को इस तरह से बिल्कुल चिकना कर लिया है। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब मैं ग्लास से काटूंगी इस तरह से। ये जो साइड से बची हुई दाल है इसको इस तरह से हटाना है। इसको इस तरह से चुटाना है। और धीरे से कढ़ाई में डाल। ये जो हमारी दाल थी ये थोड़ी सी गीली हो गई है। आपको दाल पीसते टाइम बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। मैंने ये सारे बड़े कढ़ाई में डाल दिए और ये एक साइड से थोड़े थोड़े सिकने भी लगे हैं। जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तो मैं इसको पलट दूंगी। जब तक बड़े सिकेंगे तब तक मैं इसको भिगोने की तैयारी करती हूँ। इसको भिगोने के लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है। उसमें मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी। ये बड़े एक साइड से सिक चुकी है। मैं इसको पलट रही हूँ। बड़े सिक चुकी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब हमें इसको पानी में डालना है। अब मैं इसको थोड़ी देर तक इसी तरह से पड़ा रहने दूंगी, जिससे कि ये पानी अच्छी तरह से सोख ले और ये फूल जाए। ये बड़े पानी में अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब मैं इसको दही में डालूंगी। इसको इस तरह से निचोड़ना है हल्के हाथ से। हमें सारे बड़े इसी तरह से दही में डाल देना है। इसको इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से निचोड़ना है। अब इसको अच्छी तरह से दही में डिप कर देना है। हमारे बड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर नमक, मिर्च और गरम मसाला डालूंगी। नमक, कुटी हुई मिर्च और गरम मसाला। फ्रेंड्स, आप जब बड़ों को सर्व करें तब आप इसमें नमक डालें। मैंने और सारे बड़ों में नमक नहीं डाला। अगर मैं पहले नमक डाल दूंगी तो ये बड़ों का दही है ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। मैंने बड़ों के ऊपर ये वाली मीठी चटनी डाली है। अगर आपको पसंद है तो आप ये भी डाल सकते हैं।
हमारे बड़े बनके रेडी हो चुके हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे हिटन फूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए।